औरैया जनपद के फफूंद थाने में नवरात्र व ईद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। पुलिस सभी पर नजर रखेगी, अफवाह फैलाने और अराजकता करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को थाना परिसर में सीओ अजीतमल राममोहन शर्मा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए, त्योहार में किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। त्योहार में हुड़दंग और अफवाह फैलाने पर पुलिस की नजर रहेगी, जो उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सर, कुछ दिन बाद ईद है और नवदुर्गा है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? सर, हम लोग जैसे पहले त्योहार मनाते रहे, उससे पहले पीस कमेटी की मीटिंग करते रहे, उसी तरह से समाज के सब भ्रांत व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों को जो जन सहयोगी होते हैं, पुलिस मित्र होते हैं, इनसे हम लोग एक पीस कमेटी की मीटिंग करते हैं और त्योहार की तैयारी करते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई लाइन ऑर्डर इशू ना आए, इसलिए हम लोग करते हैं। और जैसा आप जान रहे हैं कि कल पीस कमेटी की मीटिंग इसलिए की गई है कि कल जुमे की अलविदा की नमाज है और फिर ईद का है त्यौहार है 11/12 को, नौवीं तारीख 9 से प्रारंभ है नवदुर्गा। इस सब के देखते हुए हम लोग करते रहते हैं तैयारी और उसी प्रकार में ये तैयारी की है।